पार्टिसिपेंट का नाम है ICV BMK-2 सारथ, जिसको सारथ नाम से जाना जाता है। ये इक्विपमेंट बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है और इसलिए फुली ट्रैक एम्फीबियस कैपेबिलिटी वाला और एक हेलीकॉप्टर से भी ड्रॉप किया जा सकता है इसके लाइट वेट की वजह से। इस इक्विपमेंट की काबिलियत ये है कि ये दिन और रात के समय दुश्मन को 4 किलोमीटर की रेंज तक कारगर तरीके से एंगेज कर सकता है और उसको बर्बाद भी कर सकता है। अब आप देखते हैं एक 7.62 mm PKT है जो एक मशीन गन है, जिसकी काबिलियत 2000 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद करने के लिए है और दुश्मन के टैंक को बर्बाद करने के लिए इसके ऊपर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉन्क्वेस्ट मिसाइल लगी हुई है जो दुश्मन को 4 किलोमीटर तक की रेंज में दिन और रात के समय बर्बाद कर सकती है। और उसके बाद में BMP की खासियत ये है कि ये पानी में तैर के भी पार हो जाती है और डेजर्ट में भी प्लेन्स एरिया में कहीं पर भी निकलने की क्षमता रखती है। Okay, this is a Russian third generation tank, T-90, and in India we call it the tank Bhishma. And it has varied capabilities, including first and foremost is the 125 mm smoothbore gun, which also has the capability to fire a guided missile, and being the first and the only tank in India to do that. It has a range of 5000 meter and can lock onto any target and destroy the same. For aerial targets, we have 12.7 mm NSVT gun. It has the capability to shoot down any attack helicopter, transport or any drones. जी एक ऑल वेदर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो कि फॉर दी फर्स्ट टाइम राजपथ पे रोल डाउन करने वाला है। इसकी क्षमता है कि ये 2.5 किलोमीटर तक के एरियल एनिमी टारगेट्स को शूट डाउन कर सकता है ट्रैक करने के बाद, और ग्राउंड टारगेट्स के लिए ये 2 किलोमीटर तक के ग्राउंड टारगेट्स को भी ट्रैक और शूट डाउन कर सकता है। इट इज़ इंडिजिनियसली इंटीग्रेटेड एंड इट इज वन ऑफ अ काइंड इक्विपमेंट विच वी आर होल्डिंग इन द इंडियन आर्मी। द इक्विपमेंट हैज द कैपेबिलिटी टू सर्च, इंटरसेप्ट, डायरेक्शन फाइंड, locate, analyze and jam enemy tactical communication signals in the high frequency, very high frequency and ultra high frequency ranges. So the system has the capability of breaking down the entire communication grid of the enemy. मैं इंडियन आर्टिलरी की ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आर्टी परेड ये 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है बिल्कुल एक्यूरेट हिट के साथ। स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 max से ज़्यादा, और ये 15 किलोमीटर के क्रूज़ ऑल्टीट्यूड हाइट तक जा सकती है जब ऊंचाई की बात करते हैं। ये दुनिया की सबसे पहली सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और इसे भारत के पास है और भारतीय सेना को इस बात पे गर्व है।